आइए देवर्षि, मेरा परम सौभाग्य है कि आपके पद पद्म अमरावती में पधारे, अत्यंत अनुग्रहित हूँ। आसन ग्रहण करें देवर्षि। नारायण नारायण, देवाधिपति परिभ्रमण तो अपना स्वभाव ही है, परिक्रमा अपनी दिनचर्या है, स्थिरता मरण में जीवन में कहा, चलना ही केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है। आप कृपालु हैं, मैं कृत कृत्य हुआ, कहां से आना हो रहा है? अभी तो धराधाम से चला हूँ, ब्रह्मलोक जाने का मन था, सुरपुर की संगीत में लहरी सुन ठिठक गया, आपसे मिलने आ गया हूँ। तो मैं स्वर्ग लोक में, पर मन बधा है मृत्यु लोक में ही। इंद्र मानव भी कितना गरिमा मैं है। ए मनोज मद मर्दन ऋषि, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ, मृत्यु लोक के किस महामानव ने आपको भी भूत किया है। आहा, अयोध्या नरेश हरिश्चंद्र ने त्रिशंकुसुत हरिश्चंद्र की यशो गाथा दसु दिगंत में गूंज रही है। सत्य की तो वह प्रतिमूर्ति ही है, पवन का प्रतीक झोंका जैसे यही प्रतिध्वनित कर रहा था। चंद्र हृदय भी ईश्वर ने क्या वस्तु बनाई है, जो जितना बड़ा उसकी जुगुप्सा ईसिया उतनी ही बड़ी। ऋषिवर, जिसकी प्रशंसा आप जैसा निष्प्रिय व्यक्ति करे वह बड़ा तो होगा ही, उनके गृह चरित्र क्या है? नारायण नारायण, कहीं खो गए हैं आप, हरिश्चंद्र तो सत्यवादिता का समगण है, उसका मन वचन कर्म एक है, जो कहता है वही करता है। सर्वोत्तम उपलब्धि तो यह है देवराज की, पृथ्वी हरिश्चंद्र के राज्य में काम दुग्धा हो गई है, प्रजा का सुख ही राजा का सुख है, सर्वत्र सुख है, शांति है, सौहार्द है, मोद है, मंगल है। सत्यवादी हरिश्चंद्र का होना ही मानवता की महत्तम शोभा है। चंद्र का कुटुंब भी हरिश्चंद्र ही है क्या देवर्षि? सुरवर, रानी सव्या और सुकुमार रोहिता सुखी बात ही निराली है, जगत विकारों की अंध तिमिर गली में वे सद्गुणों की निष्कम दीप सिखा है, उन्हें ही नहीं अयोध्या की सारी प्रजा को हमने श्रुति नीत में पारंगत देखा, न कहीं द्वेष, न क्षोभ, न ईर्ष्या, न उन्माद, संपूर्ण प्रजा ही हरिश्चंद्र का कुटुंब है, सभी सत्य धर्मशील के आगाह हैं। ऋषिवर, क्या दान देते देते लक्ष्मी छीण नहीं हो जाएंगी? नारायण नारायण, दाता मन हो तो भरता विश्वंभर है, सतगुना लेकर सहस्र गुणा नीर दाता में क्या फिर भर नहीं जाते हैं? सागर की वाष्पीभूत जल राशि धारासार वृष्टि से धरित्री की छाती शीतल कर देती है ना? क्या चंद्र बिंब के चुंबन की कसक समेटे सागर कभी रीता हुआ है? धर्मशील के पास सुख संपत्ति बुलाए बिना ही चली जाती है। मेरा तो कलेजा ही बैठा है, चाहे जैसे भी हरिश्चंद्र का पतन करना ही। हे मुनि श्रेष्ठ, मानो इतना गुणवान होगा, हमको तो इसका पता न था, आप प्रशंसा कर रहे हैं तो सत्य ही। नारायण नारायण,
परोपकारी मन धर्मव्रति किससे वंदनी नहीं होते। वदनम प्रसाद सदनम सदयम विसुधामुचो वाचः करणम परोपकरणम एसाम केसाम तेन बंद्या। उस राजा के धर्म विभव के आगे तुम्हारा नंदन वन वनिता दिग्भोग अक्षय क्रीड़ा कल्लोल सब तुच्छ है, त्रिणवत है। भले ही राजा की स्वर्ग लेने की इच्छा न हो, किंतु एक बार तो उसके सत्य की परीक्षा अवश्य लेंगे। नारद ने तो बड़ी बेचैनी पैदा की। क्या मुनिवर, हरिश्चंद्र जो कह देते हैं वह किसी को अवश्य देते हैं? निसंदेह सत्य ही उसका गुरु है, प्राण प्रधान शिष्य, परोपकार ही संकल्प है, अस्मिता ही हवन है, आतिथ्य ही नित्य विष्णु यज्ञ है, सेवा परायणता ही दक्षिणा है, धर्म ही ध्वजारोहण है, सत्य रूपी सद्गुरु की चरण पादुका का जल ही उसका चरणामृत है, वह स्वयं अपने आप में तीर्थ है, तीर्थराज प्रयाग है, प्यासा है यदि कंठ, नीर भी है उतना ही प्यासा, बुला रहा आकाश विहक समझो अंतर की भाषा। मुझे विश्वास है आपकी बातों पर, राजा हरिश्चंद्र का जीवन सत्य दान और सद्भाव का कोष है, दूसरों के लिए उदाहरण बनाने योग्य। नारायण नारायण, सुनो, मनस से एकम वचस से एकम कर्म एकम महात्मा नाम, सत्य से बढ़कर सरल कौन। हरिश्चंद्र की प्रत्येक रुधिर की धड़कन में आप सुनेंगे सत्यम सरलम गच्छामि। अब हमारा समय हुआ, चलते हैं। सुरपति इस्यालु मत होना न। नारायण नारायण। महाराज गाधी तनय विश्वामित्र जी पधारे हैं। भले गए नारायण, अब द्वितीय दृश्य को चैतात करना है। सम्मान ले आओ ब्रह्मर्षि को, हमें उनकी ही नितान आवश्यकता है। आइए प्रभु, आपका स्वागत है। हमारी उद्विग्नता का सम्यक निदान आपसे ही संभव, अन्यथा न ले, सेवक हूँ, दृष्टि क्षमा करने की कृपा करेंगे। देवपति ऐसा न सोचे, आपने कुछ अन्यथा या अनाचरण नहीं किया। देवर्षि की बीड़ा सुनाई पड़ी है, स्वभाव बस उन्होंने ही तो उद्विग्न नहीं कर दिया है आपको। हाँ प्रभु, नारद आए थे, हरिश्चंद्र की सत्यवादिता और दानशीलता का इतना बखान किया कि उच्च पदस्थ मैं आहत हो उठा। उन्होंने उनके सत्याचरण को आपकी तपस्या से गुरुतर बताया, कहा कि अखिल भुवन में हरिश्चंद्र सादानी न था, न है, न होगा। सभी विभवशाली जनों की संपदा, सभी तपोभूत ऋषियों की साधना, सभी कर्म योगियों का कर्म हरिश्चंद्र की सत्य निष्ठा की तुलना ही नहीं कर सकते। आप जैसा ऋषि जो दूसरी सृष्टि रह सकता है, जो ब्रह्मर्षि की गरिमा से संपन्न हो, वंदनी वह है न कि वह नरपति। हरिश्चंद्र में ऐसे कौन से गुण हैं जिनको नारद ने आपके आगे सराहा है? अयोध्या की राजकुल की वंशावली का हमें घट घट पता है। सत्यान्वेषण सत्य संपोषण हंसी ठट्ठा है क्या? ऋषिवर, सत्य की हरिश्चंद्र सी मिसाल उनकी दृष्टि में धराधाम में कहीं है ही नहीं। वैसा सरल गुण संपन्न राजा नारद की दृष्टि में किसी भी माता की कोख से नहीं जाना। कहां गृहासक्त वह राजा, कहां बैरागी आप जैसे महात्मा। कोई परीक्षा लेता तो दूध का दूध पानी का पानी। मैं अभी देखता हूँ देवराज, हरिश्चंद्र की मिट्टी पलीद नहीं कर दिया तो मेरा भी नाम विश्वामित्र नहीं।
भूल गया वह कि उसी के तरह त्रिशंकु को इस विश्वामित्र के तपोबल ने ही सदैव आकाश भेज दिया। मेरे समुख तो आपने एक चुनौती रखती, भला विश्वामित्र के सामने वह क्या सत्यवादी बनेगा, उसकी दानशीलता दुर्गति की किस सीमा तक पहुंचेगी देखते रहना। यद्यपि हरिश्चंद्र का मुझसे कोई व्यक्तिगत वैर नहीं है, किंतु चाटुकारिता की हद कर दी है नारद ने, परीक्षा करके ही मानूंगा। यात्रा के अब शकुन हो रहे हैं, सूर्य को परिवेश से घिरा हुआ देख रही हूँ, पीछे शब्द सहित धूम जैसी आकृति वाली घिरी बदली है, सुषुम्ना नाड़ी का स्वस्थ प्रवाह है, दाहिनी आँख फड़क रही है, सामने ही रिक्त घट पड़ा है, मन में अशांति सी है, क्या होना है? धर्मज्ञ, जीवन की सफलता किसमें है? मायावाद की मनोहारिता में, भोगवाद की संरसता में, अथवा बंधु बांधव के अनुरक्ति में? नहीं, सत्य की उपासना में तथा सधर्म के आचरण में। जो हो रहा है या जो होगा, सब हमारे करुणा वरुणालय प्रभु का खेल है। कहाँ चलना है? सोचता हूँ काशी चलेंगे, वह त्रिभुवन से न्यारी है, भगवान भूत भावन शिव के त्रिशूल पर बसी है, वह किसी के राज्याधिकार में नहीं है। विश्वेश शिव है, धन नहीं, तन तो अपना है, हम अपना शरीर वहां बेचकर ब्राह्मण की दक्षिणा चुकाएंगे। शिवपुरी ही शरण है। गंगा तरंग रमणीय जटाकलाप, गौरी निरंतर विभूषित वाम भावे, नारायण प्रिय मनंग मदापहार, वाराणसी पुरपति भजगे स्वनाथ, वाराणसीपुरपते मणिकर्णिकेश वीरेश दक्षमखकाल विभो गणेश, सर्वज्ञ सर्वहृदयेक निवासनाथ संसार दुख गहन जगदीश जगदीश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।